हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्यूआर कोड जनरेट करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम। जी हाँ, और बिल्कुल ही फ्री, कोई कहीं पे भी 1 रुपया पैसा नहीं लगने वाला है। अब फ्री में आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग एज अ पार्ट टाइम और क्यूआर कोड बना के जनरेट करके आप बेच सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम जो है ये मैं क्यूआर कोड पे वीडियो बना रहा हूँ एज ए फ्रीलांसिंग, कि आप एज ए फ्रीलांसिंग काम करके क्यूआर कोड जनरेट करके आप कमा सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट है, पार्ट टाइम एज ए होम में करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहें, आप कर सकते हैं, जो आपके साथ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक क्यूआर कोड जनरेट करके, कैसे आप उसको भेज के, कैसे आपके पास क्लाइंट आएंगे, कैसे आप उनको डील करना है, ये कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें। ऐसे में क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं वो छूट जाती है, वो जाके आपको प्रॉब्लम करती है और बाद में मुझे मैसेज आते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को भूल ही देखे, थोड़ी सी भी स्किप ना करें, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहले देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे वीडियोस को, चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो, चाहे वो एजुकेशन से हो या फिर अर्निंग से या फिर पार्ट टाइम जॉब से, तो आपको सारी चीज़ें जो वीडियोस हैं आपको फर्स्ट में मिल जाए, आप फर्स्ट में देख सकें, ओके। और उससे पहले और एक बात है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो है आपको स्पॉन्सरशिप के लिए आपको बोला जाएगा। हमारी इस यूट्यूब चैनल में आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसके लिए कि आप कैसे स्पॉन्सरशिप लेंगे। एक्चुअली वो स्पॉन्सरशिप हम ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है इस चीज़ में। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं इसका स्टार्ट, ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो साइट है ये जर्मनी की साइट है, क्यूआर कोड मंकी करके नाम है, ठीक है। आपको इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके खोल सकते हैं। तो ये जो साइट है वो क्यूआर कोड बनाती है, जनरेट करती है एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया पैसा आपको देना नहीं है कहीं पे। और आपको यहाँ से जो है, आप इसको अगर बनाते हैं क्यूआर कोड तो आप इसको भेज सकते हैं, आप एज ए फ्रीलांसिंग जो साइट है fiverr.com या फिर अलग कोई भी freelancer.com, ये सारे जितने भी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं वहाँ पे आप जाके भेज सकते हैं, आप वहाँ से जॉब ले सकते हैं। और कैसे भी लेंगे, आप कैसे लेंगे उस चीज़ के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो आफ्टर आने के बाद इस साइट में आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। मैं अभी अपने लैपटॉप में आपको दिखा रहा हूँ, ओके। तो इस साइट का नाम है qrcodemonkey.com, ओके। इसके बाद ये खुलने के बाद ऐसे होंगे, इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देने हैं, यहाँ तक कि आपको रजिस्टर भी करना नहीं है इसमें, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्यूआर कोड जो है, ये क्यूआर कोड क्या होता है मैं आपको इसके बारे में पहले बता दूं। क्यूआर कोड क्या होता है कि एक पिक्चर होती है इस टाइप से, ओके। इसमें जो है कोई भी कंपनी की लोगो या फिर साइट, यूट्यूब की साइट, ईमेल या फिर 2-4 पन्नों की जो टैग्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो तो आप भेज नहीं सकते, वो उतना टाइम नहीं है। तो आप ऐसे इसको जो है क्यूआर कोड को जो है के थ्रू से आप उसको उतनी बड़ी टैक्स को आप छोटी से क्यूआर कोड पिक्चर में आप कैप्चर कर सकते हैं। और आप देखे होंगे जैसे पे फोन हो रहा है, ये सारे जितने भी हो रहा है वो जो है क्यूआर कोड से हो रहा है। तो आने वाले जो टाइम्स हैं वो क्यूआर कोड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो प्लीज़ अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी प्लेटफॉर्म है, ना इसमें कोई डिग्री चाहिए ना और कोई कुछ चाहिए, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, इस से आप कमाई अच्छी खासी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए
देखते हैं कि क्या आप QR कोड में कैसे कर सकते हैं। मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा, आपको कैसे बेचना है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, सारा चीज़ दिखाऊंगा। ओके, तो आप किस चीज़ चीज़ को आप QR कोड में जनरेट कर सकते हैं, QR कोड जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है URL को आप कर सकते हैं टैक्स, फॉर एग्जांपल 4-5 पेज की है तो उसे आप जैसे QR कोड में चेंज कर सकते हैं, ईमेल को कर सकते हैं, फ़ोन नंबर को कर सकते हैं, यहाँ तक कि SMS, एमवी कार्ड, लोकेशन, फेसबुक की आईडी, ट्विटर, यूट्यूब, वाईफाई, इवेंट, बिटकॉइन, ये सारी चीज़ों को जो है आप एज QR कोड में आप चेंज कर सकते हैं और अच्छे खासे उसमें से कमाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने कुछ कुछ लिख रखा है कि क्रिएट योर कस्टम QR कोड विथ लोगो, आप इसमें लोगों के साथ भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है आपको हम दिखाते हैं। देखिए जैसे कुछ दिया हुआ है अबाउट द फ्री QR कोड जनरेटेड फॉर हाई क्वालिटी QR कोड्स, आप इस तरह से जो है आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप इतने अच्छे अच्छे QR कोड अगर आप जनरेट करते हैं तो आपको जॉब मिलना बहुत ही इजी हो जाएगा। आई मीन जो फ्रीलांसिंग की जो जॉब होती है वो आपको मिलना बहुत ही अच्छी हो जाएगा और आप अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, मैं कोई रैंडमली जो है एक QR कोड जो है ले लेता हूँ। ओके, मैंने इसको JPEG को ले लिया और ये जो लिखा है और UR यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ओके, इसको मैं हटा दूँ और यहाँ पे जो है मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्रिएट, जब आपने वहाँ पे URL डाल दिया तो यहाँ आपको करना है क्रिएट QR कोड, देन आपको QR कोड आपको मिल जाती है यहाँ पे। ये जो QR कोड है ये मैंने जो अभी JPEG की साइट जो URL की थी उसको मैंने अब QR कोड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है QR कोड जनरेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं PNG में, .svg में, PDF में, .eps में, आप ऐसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, ये डाउनलोडिंग हो रही है, डाउनलोडिंग हो गई। ओके, मैं देख लूँ एक बार। देखिए QR कोड जो है इस तरह से जो JPEG की थी हमने क्रिएट कर लिया। ओके, सो इसमें और कैसे कर सकते हैं, आप इसको डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं। ओके, तो जैसे लिखा हुआ सेट कलर, तो मैंने सेट कलर पे करा तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल कलर, देन कलर ग्रेडियंट, मतलब डबल कलर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कस्टम आई कलर, आई कलर इस चीज़ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी यहाँ पे दी हुई है। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये आप बैकग्राउंड कलर कैसे रखना चाहते हैं। चलिए मैं और करके दिखाऊँ, इसको मैं ले लिया, ये कलर ले लिया। ठीक है, मैंने कलर ग्रेडियंट में गया, मैं इसको चेंज करके ये ले लिया। ओके, और मैं क्रिएट के बारे में चला गया। देखिए ये जो है QR कोड क्रिएट हो गया, मैंने ये जो बैकग्राउंड कलर है दोनों सेम कर दिया इसलिए ऐसा लग रहा है, तो मैं इसे जो है मैं ये कलर ले लूँ। ओके, देन मैं इसे क्रिएट QR कोड, देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी लग रही है QR कोड। तो ऐसे अगर आप जनरेट करके आप अपने क्लाइंट को देते हैं तो आपको जॉब मिलना बहुत ही इजी हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से यार कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट नहीं देखते हैं तो आप बाद में फिर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसके लिए जो है आप डिटेल्स देखिए,
कि कैसे मैं कर रहा हूँ एक एक पॉइंट, देन आप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको लोगो लगाना है इसमें, तो आप लोगो कैसे लगाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए 8 लोगों का एक दिया हुआ है, यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है? और यहाँ से जो है हम लोगो ले सकते हैं इसकी। तो लोगो कैसे, आप लोगो इमेज, ये जो है लोगो है आपको खुद वही देंगे। मैं जस्ट लाइक इसे ले लिया एक लोगो, ठीक है, मैंने ये लोगो ले लिया। देन क्रिएट QR कोड, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो लोगो है वो आ चुकी है, ठीक है? तो इसी तरह जो है आप अच्छे अच्छे जो है QR कोड बना के आप इसमें कर सकते हैं। आप इसकी डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसकी जो डिज़ाइन है इस तरह से ले सकते हैं। सपोज अगर मैं ये ले लिया, ओके, और देन क्रिएट QR कोड। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी QR कोड जनरेट हो चुकी है। तो इसी तरह जो है आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं और इसे आप बेच सकते हैं, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं इसमें से, ओके? इसे मैं भी डाउनलोड कर लूँ, चलिए मैंने कर लिया। अब बात आती है हम क्लाइंट कैसे ढूंढें, हम किसको बना के दें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए भी एक साइट है fiverr.com। अगर fiverr.com के बारे में नहीं जानते हैं तो एक मेरी वीडियो बनी हुई है, उसे आप देख लें fiverr.com की, कि कैसे आप वहाँ से कैसे क्या करते हैं वो सारी चीज़ें, तो आपको पता चल जाएंगी, ओके? लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली बता दूँ, ये भी एक फ्रीलांसिंग साइट है, इसमें भी आपको जॉब मिलती है। आप घर बैठे आप काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, राइटिंग ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वीडियो एनिमेशन कर सकते हैं, म्यूजिक एडिटिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है? तो फ्रेंड्स fiverr.com में जो है 1 रुपया भी आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप देख सकते हैं कि कैसे एक QR कोड जो अपना जनरेट करते हैं आप कैसे उससे पैसे ले सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, QR कोड, ओके? फ्रेंड्स जब आप QR कोड करके सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं QR कोड जनरेट करते हैं और एक QR कोड के जनरेट करने में कितना पैसे लेते हैं वो लोग, ठीक है? देखिए आई विल क्रिएट, ये कोई मेंबर है, कोई देश के हैं, उन्होंने लिखा है आई विल क्रिएट ए ब्यूटिफुल पेस्पो QR कोड, ओके? तो इसकी जो स्टार्टिंग एट है, ये जो एक QR कोड बनाने के लिए लेती हैं जो लोवेस्ट है वो 1800 रुपये लेते हैं, आई थिंक 1900 रुपये करके एक QR कोड के लेते हैं। और जबकि आपको कुछ करना नहीं होता, करती कौन है QR कोड मंकी, और उसके बाद भी 1800 रुपये लेती हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि कैसे कितनी यहाँ से कमाई हो सकती है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं, देख सकते हैं ये 300-400 रुपये लेते हैं, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है? इन्होंने लिखा है 7000, ठीक है, आई थिंक 7500 के करीबन ये एक QR कोड के लेती हैं, ठीक है? तो इसी तरह आप भी बना के बेच सकते हैं आपकी लोएस्ट प्राइस रख के, ठीक है? देखिए कैसे करते हैं ये लोग, ओके? तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप भी एक QR कोड के लिए, यहाँ पे आपका भी नाम आएगा जब आप QR कोड में, सॉरी फाइवर में आप रजिस्टर करोगे, ठीक है? तो उसके बाद जो है ये सब गिग्स हैं, मतलब अपनी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है, उसी टाइप से ये बना के डालना होता है, ताकि आपको जो है जिनको चाहिए वो आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है? या फिर आप कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन यहाँ पर जब QR कोड की जॉब आती है आप उसमें अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैं एक QR कोड बनाता हूँ, आप मुझे जॉब दीजिए। तो ये
ये जो जैसे बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं, एक गीक है, इसे गीक बोला जाता है, ठीक है, तो इसे कैसे बनाते हैं ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की लोगो होगी, ठीक है, देन प्रोफाइल में आपको जाना है और यहाँ आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए न्यू गिग, तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके पास जो है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है व्हाट मेक्स ए सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, ओके, देन फिर कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है, उनके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्रिएट करना है पर्सनल, यहाँ पे आपकी जो है पर्सनल जो है सारी चीज़ें मांगेंगी, आपको नाम देना है यहाँ पे, देन फ्रेंड्स आपको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये आप करते क्या हो, ठीक है, देन आपको अदर्स में जाना है क्योंकि आप यहाँ पे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, डिजाइन एंड ग्राफिक डिज़ाइन आती है, राइटिंग आती है, ट्रांसलेशन, प्रोग्रामिंग, टेक, म्यूजिक, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, बट मैं क्यूआर कोड पे क्लिक करूँगा इसलिए अदर्स पे मैं क्लिक करूँगा, ओके, ठीक है, कब से कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं 2017 से कर रहा हूँ, ठीक है, 20 तक कर देता हूँ मैं इसको, ओके, यहाँ पे आपको स्किल चूज करने के लिए बोल रहा है, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख दे सकते हो, ठीक है, एक आदर्श मैं दूंगा, ठीक है, बिजनेस टिप दे सकता हूँ, मार्केट रिसर्च, डाटा एंट्री, ऑनलाइन लेसन, वायरल वीडियो, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से अपनी स्किल यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है, देन अगर एक्स्ट्रा कुछ स्किल है, ठीक है, जैसे QR QR कोड, ठीक है, QR कोड, देन इंटर करना है, इंटर करना है, QR, सॉरी मैंने कुछ गलती लिखा है यहाँ पे, QR कोड, QR कोड डिज़ाइन, इसी तरह से जो है आप यहाँ पे अपनी स्किल डाल सकते हो, एक्सपर्ट कर दूँ मैं, यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप, ठीक है, इसी तरह से जो है सजेशन दे रहे हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन आपने कहाँ से लिया है, ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट दे सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई आपकी पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है, अगर आप ब्लॉग वगैरह लिखते हैं तो, ओके, उसके बाद अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से गूगल लिंक कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, सारी चीज़ें लिंक कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके पर मैं क्लियर किया, ठीक है, आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, 8 फोन नंबर पर भी नहीं कर रहा हूँ, देन फर्स्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे 65% जो है प्रोफाइल ऑलमोस्ट हमको करना होगा, तो इसलिए मैं फिर से एडिट पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे फोन नंबर दे देता हूँ, ओके, इंडिया, ओके, देन वेरीफाई बाय एसएमएस के साथ हमको करना पड़ेगा एसएमएस, मुझे आ गई, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 5935, ओके, मैं सबमिट करता हूँ और देन सक्सेसफुली
हो चुकी है। इट इज सिक्योरिटी क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ इस वीडियो को, आपको वहाँ पे एक कोई प्राइवेसी देना था इसलिए मैंने उसको स्किप किया था। आप भी कर सकते हैं, वहाँ पे एक प्राइवेसी आपको कुछ चूज़ करना होगा, ठीक है। देन सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन ओके पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये पर्सनल है, डिटेल्स हैं, आपको इसको फिलअप कर दीजिए। ऑक्यूपेशन, ठीक है, मैं 10 पे क्लिक करता हूँ। इसे फिर से करना होगा फ्रेंड्स, वेट। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी अपनी डिटेल्स भर दी ताकि वो उसकी जो फुलफिल हो 65% वो मैं कंटिन्यू कर सकूँ। ओके तो आप ही आराम से कर सकते हो उसे। फिर आपको क्लिक करके जो है नेक्स्ट में आना है, देन जो है फिनिश, फिनिश में आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिनिश हो गया फ्रेंड्स। अब हमें गिग बनानी है, ठीक है, कि गिग की टाइटल क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप क्या करते हैं उसको आपको लिखना है टाइटल में। फ्रेंड्स जो मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ उसे आप भी ना लिखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों की जो है सेम हो जाए, तो मैं भी fiverr.com कुछ स्कैम दे दे। ओके ठीक है, तो उसके लिए जो है आप अपनी अपनी अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आई विल क्रिएट स्टैंडर्ड QR कोड। ओके फ्रेंड्स मैंने लिख दिया। देन कैटेगरी आपको चूज करना है, कैटेगरी आपको चूज करना है, ठीक है। तो डिजाइन एंड ग्राफिक्स में आपको जाना है, डिजाइन एंड ग्राफिक्स, देन सब कैटेगरी, फिर आपको अदर्स में जाना है, ठीक है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च टैग, सर्च टैग क्या होता है कि अगर कोई किन्हीं को चाहिए, जस्ट लाइक आप QR कोड बनाते हो तो वो सर्च करेंगे QR कोड, तो वही होता है सर्च टैग, मतलब आप किस चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में यहाँ लिखना होता है। तो QR टैग हम लोग लिख सकते हैं, QR कोड्स, देन इंटर, ठीक है। फिर QR कोड्स डिज़ाइनर, डिज़ाइनर, देन ठीक है, QR कोड्स जनरेट, जनरेट। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप जो है यहाँ पे टैग दे सकते हैं, देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप। ठीक है, देन आपके पास प्राइसिंग आ जाएगी कि आप एक QR कोड की क्या प्राइस लोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी तीन पैकेज आती है, ठीक है, एक बेसिक आती है, एक स्टैंडर्ड आती है, एक प्रीमियम। मतलब आप जो बना रहे हो QR कोड तो वो तीन पैकेजेस में आप कर सकते हैं सर, एक बेसिक पैकेज, एक स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम। तो फ्रेंड्स आप आपके अनुसार कर सकते हैं, बट मैं एक बेसिक करके रख दूँ आपको दिखाने के लिए, उसके बाद आप कर सकते हैं जैसे सिंगल सिंगल QR कोड। ओके सिंगल QR कोड,
तो इसके बारे में क्या कर, अगर आप सिंगल क्यूआर कोड आप देते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या देते हैं आप? डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है कि उसके बारे में? तो यहाँ पे हम देते हैं सिंगल कलर रहेंगे, सॉरी सिंगल कलर होगी। डिलीवरी टाइम अब कितना दिन में इसको डिलीवर कर दोगे? 1 डे में कर दोगे, ठीक है। रिवीजन फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा होता है कि किसी को वो QR कोड पसंद नहीं है, तो आप उसको कितनी बार आप चेंज करके दे सकते हो, मतलब आप उसे कितनी बार आप फिर से उसे बना के दे सकते हो, तो वो लिखाना होता है, ठीक है, उसे बताना होता है। तो हम जो है बेसिक जो पैकेज होगी उसमें हम एक बार हम उसको कर सकते हैं। सिक्योर फाइल आप उसे जो दे रहे हो आप वो सिक्योर दे रहे हो, ठीक है। देन प्राइस, प्राइस आप एक जो है वो प्राइस कितना लोगे? तो मैं $5 कर देता हूँ, आप जितनी चाहें आप उसे कर सकते हैं, लेकिन आप इतने ही करें ताकि कोई जो है उतना दे पाए, वो आदमी उतना दे पाए। उसी तरह आप स्टैंडर्ड में कर सकते हो। स्टैंडर्ड में क्या हो सकता है कि आप मल्टी कलर कर सकते हो, आप उसे 2-3 बार फिर से रिवाइज करके आपको बना के दे सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ओके। माई गिग एक्स्ट्रा फ्रेंड्स, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब ज़्यादा भरने की नहीं है। शॉपिंग ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर 7 कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, आप बता सकते हैं आप इसके बारे में। फ्रेंड्स देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें मिनिमम आपको 120 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिए जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन में आप क्या बनाना चाहते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जो अच्छे इंग्लिश में राइटिंग कर सकते हैं उससे आप पूछ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ उसे दोबारा आप उसमें ना लिखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग वही वर्ड लिख दें तो Fiverr.com को ये पता चल जाए कि नहीं ये स्कैम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ना लिखें, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो मैं स्किप कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद जो है मैंने लिख दिया है, देन उसके बाद आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, मतलब आप जब बात करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए आपके क्लाइंट से, तो आपको क्या क्या चाहिए एक QR कोड बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐड ए क्वेश्चन फॉर योर बायर, तो आप क्या क्या क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं कि वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो आंसर आप ऐसे करके दे सकते हो, तो मैं वो चीज़ हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, देन रिक्वायरमेंट, मतलब एक QR कोड बनाने में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है उसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है, ठीक है। देन मैं ये सब सॉरी लिखना ही होगा मुझे, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बट नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स आपको क्या क्या चाहिए, मैं एक लिख देता हूँ, हमको चाहिए URL, सॉरी वायरल लिंक, ओके। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है बायर जो है वो अपना URL लिंक सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे और भी कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या, लोगो, अगर लोगो करना है तो लोगो, देन सेव पे यहाँ पे लोगो आ जाएगी, ये सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। देन मैं सेव और कंटिन्यू पे करता हूँ, और जो है ये जो है हमारी जो गिग है ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस मुझे अब जो है गिग की फ़ोटो कुछ जो है वो सारे देने होंगे। तो मैंने जो वो अभी बनाए थे उनमें से एक दो पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं एक यहाँ से ओपन कर लिया, मैं और एक दे देता हूँ, ठीक है। और एक मैं ये दे दिया, देन मैं हो गया। देन फ्रेंड्स
मैं सेवन कंट्री में पे करूँगा, ये आप दे सकते हैं, वीडियो बना के दे सकते हैं, पीडीएफ बना के दे सकते हैं, ऑलमोस्ट डेयर। तो फ्रेंड्स इन्होंने बता दिया है कि ऑलमोस्ट हमारा जो गिग है वो पब्लिश के लिए रेडी है, तो इसके बाद हम लोग पब्लिश करेंगे, ठीक है। और इट्स अलाइव, योर स्टडी वॉज प्रमोटेड। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो है वो सेल के लिए रेडी हो चुकी है, मैंने पब्लिश भी कर चुका है। अब हमारी जो है बायर उसे देखेंगे और हमको जो है वो अप्रोच करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग कर सकते हैं एक अच्छे खासे इनकम के लिए, एक QR कोड फ्री में जनरेट करके, कुछ करना नहीं है, बस आप फ्री में जनरेट कीजिए उसे। आप fiverr.com, इसी तरह आप freelancing.com, ट्रूलांसर, ये सब में भी आप पब्लिश करके वहाँ से भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे फिर से डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।